नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम NEFT के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि NEFT क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि NEFT क्या है। वाट इज NEFT इन हिंदी? NEFT क्या है? तो NEFT क्या है? NEFT एक ऐसी फैसिलिटी है, थोड़ा सा साइज। NEFT एक ऐसी फैसिलिटी है जिसकी मदद से एक बैंक से दूसरे बैंक में बहुत ही आसानी से और सिक्योर तरीके से पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। साल 2005 में RBI ने इसकी शुरुआत करी थी। तो दोस्तों, NEFT एक फैसिलिटी है जिसकी मदद से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो। आगे देखते हैं, NEFT का मतलब क्या होता है, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे देखते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप और NEFT में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि, जिनके जरिए आप पैसे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए पैसे को ट्रांसफर करते हो तो वहां पर एक लिमिटेशन होती है। आप 10,000 या 20,000, लेकिन अब तो बढ़ चुका है, 1 लाख तक भी हो गया है, एक ही दिन में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप NEFT का प्रयोग करते हो तो आप 1 लाख, 1 रुपए से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए का भी पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का पेमेंट हो सकता है। इसलिए देखिए, मैंने एक नोट भी लिखा है कि 10 लाख रुपए का जो पेमेंट, वह अधिकतम तब है जब आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग का प्रयोग करके ट्रांसफर करते हो। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाकर, बैंक में जाकर पैसे ट्रांसफर करते हो तो आप एक दिन में 10 लाख से ज्यादा का भी पेमेंट आप कर सकते हो। चलिए आगे जानते हैं कि भाई, जब NEFT इतनी सी सुविधा है तो आपको कुछ NEFT के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो किस प्रकार से चार्जेस लगते हैं? तो अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी NEFT चार्ज नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बैंक ब्रांच में जाकर NEFT पेमेंट करते हैं तो कुछ मिनिमल चार्जेस आपको देने होते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन पर भी कुछ चार्जेस अप्लीकेबल हैं। आप ऑनलाइन करो या बैंक ब्रांच जाके करो, आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अगर आप अप टू 10,000, अगर 10,000 तक का NEFT करते हो तो आपको 2 रुपये और साथ में GST देना पड़ेगा। अगर 10,000 से लेके 1 लाख तक का करते हो तो 5 रुपये और GST देना पड़ेगा। 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में पेमेंट करते हो तो 15 रुपये और GST देना पड़ेगा। और 2 लाख के ऊपर अगर आप NEFT करते हो तो आपको 25 रुपये और साथ में GST देना पड़ेगा। तो ये है NEFT के चार्जेस। बात कर लेते हैं कि NEFT की टाइमिंग क्या रहेगी, कब हम NEFT कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप NEFT की टाइमिंग की बात करें तो आप 24 घंटे, 24 आवर्स, और 24 आवर्स और 7 डेज, 24 × 7, 24 × 7 और साल के 365 दिन NEFT के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर पैसा एक शिफ्ट वाइज चला करता है, हर 30 मिनट पर एक शिफ्ट बनती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्रुप वाइज में पैसा आपके अकाउंट तक, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये थी NEFT से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको लगता है कि अगर मैं आपको NEFT के ट्रांसफर का प्रोसेस, ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रोसेस भी बताऊं, तो आप हमको कमेंट पे बताइए, हम इसके ऊपर एक जरूर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।